सेलिब्रेशन ही नहीं करती तेरी। किसका ऑर्डर है, किसने मना किया है? इधर से गाड़ी नहीं जानेगी या उधर से गाड़ी नहीं आएगी? आपने चारों तरफ से बंद करके रखा है कि सेलिब्रेशन नहीं हो। हम थोड़े बोलने में नहीं करो, आप तो बोल भी नहीं सकते। हम थोड़े बोलने में नहीं करो सर, मेरी बात सुनो। पिछली बार भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान जीता पाकिस्तान से मैच सेलिब्रेशन हुई, इस बार आपने पहले नाकाबंदी करके रख दी कि सेलिब्रेशन ही ना हो। इन्होंने सेलिब्रेशन ही नहीं करनी तेरी। हम मस्जिद के बाहर से नीचे हो रहे थे सीपीओ जोन से, इन्होंने बोला कि आपने वहां नहीं जाना, वहां से आप घूम के आओ, पूरा वुमेन कॉलेज से उधर आ जाओ आप, इधर से हमारी नौकरी को खतरा है। अरे क्या रहा है, पुलिस वाले ये भी बोल रहे हैं हमें ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है बताओ? आपने पूछा इनको? हमने पूछा, पूछ के देखें ये क्या कहते हैं। सर सर, किसका ऑर्डर है, किसने मना किया है? इधर से गाड़ी नहीं जानेगी या उधर से गाड़ी नहीं आएगी? आपने चारों तरफ से बंद करके रखा है कि सेलिब्रेशन नहीं हो। हम थोड़े बोलने में नहीं करो, आप तो बोल भी नहीं सकते। हम थोड़े बोलने में नहीं करो सर, मेरी बात सुनो। पिछली बार भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान जीता पाकिस्तान से मैच सेलिब्रेशन हुई, इस बार आपने पहले नाकाबंदी करके रख दी कि सेलिब्रेशन ही ना हो जम्मू के अंदर। क्यों रोका ये कौन सी गतिविधि है? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको परमिशन दे रखी है कि सेलिब्रेशन ही ना हो? जाम लग रहा है यार, समझा कर। कैसी बात करते हैं अब आपके आने से? अब आपके कहने से यार जाओ, ये कौन सी बात हुई बताओ मुझे? मैं तो प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि बताओ ये सेलिब्रेशन ही करें हम। तो देख सकते हैं जम्मू के परेड में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक कार को जो है वो ट्रैफिक जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहाँ पर रोका गया, और ये वजह ये बताई जा रही है कि किसी भी फोर व्हीलर गाड़ी को यहाँ पर जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पर युवाओं की माने तो उनका ये कहना है कि वो जो है आज भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। मैं अपने हिंदुस्तान में जाने का मेरे को हक नहीं है? कच्ची छोड़ी चौक में मेरे को ऑर्डर बता दे किसने मना किया मेरे को। सर ऑर्डर बता दो आप, तू गाड़ी ला यार आगे भाई। नहीं सर मैं चलान कर दो, आपको दिक्कत नहीं है? हम 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 शॉप के बाहर लगा देंगे, शॉप के बाहर लगा देंगे। सामने कोई गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे, छोड़नी चाहिए ना, सेलिब्रेशन सारे करें। कौन सा जाम, हर साल लगता है, हर बारी लगता है। इतना बल प्रयोग है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन का, क्या जाम निकलवा नहीं सकता? जाम कर लेगा आधा घंटा से ज्यादा। पूरी मीडिया को पता है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, भारत की जीत का जश्न मनाने जा रहे हैं, भारत की जीत का। फोर व्हीलर गाड़ी क्या, अरे फोर व्हीलर गाड़ी परमिशन नहीं है, जाम लग जाता है। ऐसे तो फिर कोई पहुंचेगा नहीं वहां पर, तो इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट जाएगा कि भैया कच्ची छोड़नी के अंदर हर साल पिछले 70 सालों से जब जीते थे तो जश्न मनाया जाता है, इस बार जश्न ही नहीं दिखे, ना जश्न मिलेगा ना करोड़ मिलेगा। मैं से यही सवाल पूछ रहा था, मेरे को ऑर्डर बताओ किसने ऑर्डर दिया है, फिर हम बात करेंगे, फिर हम ग्रीवेंस डालेंगे। भैया बताओ किसने रूटिंग की, किसने मैपिंग की? तो बिल्कुल आप जनता भी इस पर सुझाव जो है वो जरूर साझा करें, क्योंकि ये वो कार है जिसे फिलहाल यहाँ पर पुलिस द्वारा, जम्मू पुलिस द्वारा इसे रोक दिया गया, और वजह ये बताई जा रही है कि फोर व्हीलर गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं है, और जिसके चलते इन्हें यहाँ पर रोका गया। हालांकि टू व्हीलर गाड़ियों को आगे जाने की परमिशन है, क्योंकि भारत की जीत का जश्न आज यहाँ पर चल रहा है, और इसी के बीच यहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ियों की बात करें तो उन्हें यहाँ से जो है वो कच्ची छोड़नी की ओर जाने की इजाजत यहाँ पर जो है वो नहीं दी जा रही है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दें, लेकिन युवाओं की बात करें तो वो यहाँ पर अड़ चुके हैं, उनका ये कहना है कि हम भारत की जीत। इसको बोला एक बार, समझ नहीं आ रही है। मेरे को डीएसपी, एक मिनट भाई साहब, मुझे डीएसपी सुनील जी ने बोला कि वहां से घुमा कर ले आओ, ऊपर से जो चौकी अफसर साहब थे मस्जिद के बाहर खड़े, उन्होंने बोला अब यहां से आ जाओ। तो मैं कहां से जाऊं बताओ मुझे, मैंने भी तो सेलिब्रेशन करना है, मैं भी अपने घर से आया सेलिब्रेशन करने। क्या करना था? मैं भी तो अपने घर से, या मैंने शराब पी रखी है, या मैं कोई ऐसा गलत गतिविधियों में हूँ, मैं तो समाज सेवक हूँ, एक समाज की सेवा करता हूँ, लोगों के हित की बात करता हूँ, तभी मुझे रोक रहे हैं कि मेरे जाने से वहां पर करोड़ बन जाएगा ज्यादा। जा सकते हैं सर? फिलहाल काफी बड़ा हंगामा इस समय यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, लेकिन पुलिस भी अपना काम यहाँ पर कर रही है, क्योंकि उन्हें भी ऊपर से अगर ऑर्डर वही दिया होगा कि यहाँ से कोई गाड़ी नहीं दी जानी चाहिए, तो वो भी अपने ऑर्डर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में युवाओं में काफी ज्यादा गुस्सा है कि भारत की जीत का जश्न मनाने से उन्हें यहाँ पर जो है वो रोका जा रहा है। ऐसा किस चीज का डर है वहाँ पर, ऐसा किस चीज का डर है? क्या लगता है क्यों रोका जा रहा है यहाँ? हाँ जी, क्या लगता है क्यों रोका? मैंने इनको चार बार प्रश्न कर लिया, मुझे बताएं, हम मीडिया के सामने रखेंगे भैया ये ऑर्डर है, इसने ऑर्डर किस व्यक्ति ने, किस ब्यूरोक्रेट ने ऑर्डर निकाला है? जश्न मनाने जा रहे हैं तब भी नहीं जाने दे रहे। हम आपकी मीडिया के माध्यम से ही कहते हैं कि आपके आने से हमें इन्होंने छोड़ दिया है। देखो कितनी गुंडागर्दी करते हैं लोग।